नमस्कार भव्या श्री न्यूज से मैं नुपुर। बहुत अफसोस के साथ आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज अंतिम सांस ली। अब वो इस दुनिया को अलविदा कहकर किसी और दुनिया में सफर कर गए। अभी कुछ ही देर पहले उनके सुपुत्र चिराग पासवान ने ट्वीट पर यह जानकारी दी और लिखा, पापा आप इस दुनिया में अब नहीं हैं, मगर मुझे पता है कि आप जहां भी हैं मेरे साथ हैं। आपको मैंने पूर्व में भी बताया था कि पासवान जी दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं और उनके दिल का ऑपरेशन किया गया है। अभी बिहार में चुनाव होना है, गहमा गहमी है। ऐसे में चिराग पासवान के सर से पिता का हाथ उठ जाना बहुत ही दुखदायी है। इस अवसर पर चिराग पासवान को हौसला व शक्ति ईश्वर दे ताकि वे कठिन परिस्थिति में स्वयं को संभाल सके। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान का बहुत बड़ा नाम व भूमिका रहा है। बिहार के हाजीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। अब लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। रामविलास पासवान के दुनिया छोड़ने से बिहार की राजनीति बहुत अधूरी सी लगेगी। जैसे दीपावली में दीपों का महत्व व फागुन में रंगों का होता है, वैसे ही बिहार में रामविलास पासवान जी का कभी ना समाप्त होने वाला वो रंग हमेशा याद रहेगा। वे सभी पार्टी के लोगों से प्यार करते थे और सभी पार्टी से गले मिलते रहे। आज सूना पड़ गया बिहार का आंगन उनके बिना।